15 फ्लोर की एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो जाता है। इंस्पेक्टर गणपत क्राइम सीन पर पहुंचकर तीन सस्पेक्ट से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है कि वो बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, उसे कुछ नहीं पता है। दूसरा आदमी कहता है कि वो 10 मिनट पहले ही गार्ड से मिला था, उसने बात की और फिर वो फ्लैट में चले गया, मर्डर के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। तीसरा आदमी कहता है कि वो तो सुबह से नीचे ही नहीं आया, जैसे ही उसे मर्डर की खबर मिली तब वो नीचे आया। तीनों की बातें सुनने के बाद गणपत तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी को ध्यान से देखिए, पूरा ब्लड क्लॉट हो चुका है और चींटियां भी लग गई है, इसका मतलब बॉडी कई घंटों से यहीं पड़ी हुई है। फिर भला दूसरे नंबर वाला आदमी 10 मिनट पहले सिक्योरिटी गार्ड से बात करके कैसे जा सकता है? गणपत उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और पूछताछ करता है। तो आदमी बताता है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ स्मगलिंग का सामान लेकर रात को यहाँ आया था, लेकिन गार्ड ने उसे देख लिया, इसलिए उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर गार्ड का मर्डर कर दिया। गणपत तुरंत उस कुनी के फ्रेंड को पकड़ने के लिए ऊपर वाले फ्लैट में जाता है। कुनी का फ्रेंड फ्लैट में छुपा हुआ था। इंस्पेक्टर गणपत गेट ओपन करते से समझ जाता है कि कुनी कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? रूम के अंदर राइट साइड में बल्ब लगा हुआ है और ठीक लेफ्ट साइड में एक रॉड की शेडो बन रही है। इसका मतलब खूनी का फ्रेंड गेट के ऊपर रॉड लेकर बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर गणपत अंदर कदम रखता है और फिर वापस तुरंत पीछे हो जाता है। अटैक करने के चक्कर में खूनी का फ्रेंड नीचे गिर जाता है और गणपत उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस एक बहुत बड़े चोर का पीछा कर रही थी। पुलिस उस चोर का फोटो लेने का ट्राई करती है जिसे क्रिमिनल रिकॉर्ड में अपडेट किया जा सके, लेकिन तभी अचानक इंस्पेक्टर गिर जाता है। अब फोटो में चोर का चेहरा तो नहीं आता, लेकिन उसके कपड़े आ जाते हैं। इंस्पेक्टर उठता है और वापस चोर का पीछा करता है। कोइंसिडेंस से आगे वाली दुकान पर मेहुल जूस पी रहा था। मेहुल स्लाइड करते हुए चोर के पैर पे किक मारता है, चोर पकड़ा जाता है। पक्का इंस्पेक्टर यही चोर है? फिर पुलिस मेहुल को उस चोर के बारे में बताती है और उसका लेटेस्ट फोटो भी दिखाती है। अब फोटो में चोर का चेहरा तो नहीं, लेकिन ड्रेस सेम था। लेकिन फोटो देखने के बाद मेहुल को डाउट होता है कि शायद ये वो चोर नहीं है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को डाउट क्यों होता है? सोचिए सोचिए। भागने से पहले पुलिस ने चोर की जो फोटो ली थी उसमें उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन शूज दिख रहे थे। अब इन दोनों पिक्चर्स में शूज अलग है। अब भागते भागते शू कैसे चेंज हो सकते है? मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। पूछताछ करने पे वो आदमी बताता है कि उसे 10 लाख रुपए दिए गए थे सब्स्टिट्यूट होने के लिए। असली चोर तो पीछे वाली गली में छुपा हुआ है। मेहुल तुरंत उस गली में जाता है और चोर को सर्च करने लगता है। वहां पर मेहुल को तीन लोगों पर डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं इन तीनों में कौन वो चोर हो सकता है? सोचिए सोचिए। तीनों में दूसरे वाले आदमी को ध्यान से देखिए, वो बनियान में है, लेकिन उसके शूज और पैंट देखिए एकदम वैसे ही है जैसे चोर के थे। मतलब उसने टी शर्ट उतार दिया जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाए और उसे पकड़ ना सके। लेकिन मेहुल तो सुपर डिटेक्टिव है, ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया का एक पड़ोसी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने कश्मीर जाता है। वो वापस आते ही आलिया को कश्मीर की 3 फोटो दिखाता है जो उसने खुद क्लिक की थी। लेकिन फोटो देखते ही आलिया समझ जाती है कि उसका पड़ोसी उसे उल्लू बना रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी, आलिया को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। इस साइड वाले ट्री में देखिए सारे एप्पल्स उल्टे लटक रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है लॉजिकल आर्मी? मतलब फोटो एडिट किया हुआ है। आलिया का पड़ोसी आलिया को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा था। आलिया उसे एक टपकी देकर वहां से निकल जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। होटल में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी अचानक रूम नंबर 23 से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मैनेजर रूम ओपन करके देखता है तो शशांक मर चुका था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, इसका मतलब किसी ने उसे पॉइजन दिया है। मरने से पहले शशांक के कमरे में एक वेटर गया था। मैनेजर वेटर से पूछताछ करता है तो वेटर कहता है, सर मैं ग्रीन टी लेकर अंदर गया था लेकिन उन्होंने वापस भिजवा दिया। मैनेजर सीसीटीवी कैमरे में वेटर के अंदर जाने और बाहर की फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि वेटर झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मैनेजर को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए।
ध्यान से देखिए, वेटर की ट्रे में ग्रीन टी का ग्लास रूम में जाने से पहले थोड़ा खाली था, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है और कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। इसका मतलब इसी में पॉइजन होगा। शशांक ने ग्रीन टी पी ली होगी और खुद को बचाने के लिए वेटर ने वापस ग्लास भर दिया, लेकिन उससे छोटी सी गलती हो गई, ग्लास ज्यादा भर दिया और कलर हल्का सा चेंज हो गया। मैनेजर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मुंबई में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, तभी एक चोर पार्टी से एक लेडी का मोबाइल चुरा कर भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करते करते एक कॉलोनी तक पहुंच जाती है। पुलिस को कॉलोनी में तीन घरों पर डाउट आता है। पुलिस एक एक करके तीनों घरों का दरवाजा नॉक करती है। पहला आदमी कहता है, मैं तो सुबह से अकेले घर पे हूँ और टीवी देख रहा हूँ और पार्टी कर रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो 2 घंटे पहले ही ऑफिस से घर आया था और अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर पार्टी मना रहा हूँ। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो घर में अकेला ही रहता हूँ और मुझे पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुलिस तीनों सस्पेक्ट के घरों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? पहला आदमी झूठ बोल रहा है। अगर सुबह से अकेले वो घर पे टीवी देख रहा था, पार्टी कर रहा था, तो उसके शूज इतने गंदे क्यों है और उसकी पैंट इतनी गंदी क्यों है? कोई अगर सुबह से घर पे है तो इतने गंदे पैंट और शू नहीं हो सकते, वो भी कीचड़ में। मतलब ये जरूर अभी अभी बाहर से अंदर आया है। ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मोबाइल चुराया है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और सारे लोग क्लब में डांस कर रहे थे। आलिया भी अपने डांस मूव दिखा रही थी, तभी अचानक लाइट चले जाती है और कोई आलिया का बैग चोरी कर लेता है। अगले 5 सेकंड बाद जब लाइट आती है तो आलिया पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखती है। उसे तीन लोगों पे डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं इन तीनों में कौन हो सकता है जिसने आलिया का बैग चुराया है? सोचिए सोचिए। पहले वाले आदमी को ध्यान से देखिए। लाइट जाने से पहले उसने अपने जैकेट की फ्रंट चेन पूरी खोल रखी थी, लेकिन अभी जैकेट बंद है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। आलिया सीधा जाती है और उसका जैकेट फाड़ देती है, तो अंदर से उसका बैग बाहर निकलता है। आलिया उसे एक जोरदार मुक्का मारती है और अपना बैग उठा लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। डॉक्टर संजना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने न्यूयॉर्क जाती है। जिस जगह डॉक्टर संजना पार्टी कर रही थी वहां पे बहुत बर्फ गिर रही थी। डॉक्टर संजना जैसे ही पीछे देखती है तो उनका पर्स गायब हो गया था। संजना ने थोड़ी देर पहले ही एक सेल्फी ली थी। वो अपनी सेल्फी को ध्यान से देखती है तो उसे एक चीज पर डाउट होता है। किस चीज पर? लॉजिकल आर्मी, ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। जब उसने सेल्फी ली थी तो पीछे बिल्कुल इवन था, लेकिन अभी एक छोटा सा बम बना हुआ है। वो बम कहां से आ गया? डॉक्टर बम के ऊपर की बर्फ हटाती है तो नीचे उसका पर्स पड़ा था। पर्स के ऊपर बर्फ गिरने से वो बम बन गया था। चलिए अगली पहली देखते हैं। लूसी के पास क्रिसमस के बहुत सारे गिफ्ट आते हैं। लूसी सारे गिफ्ट अपने रूम में रख के दोस्तों के साथ क्रिसमस पार्टी करने चले जाती है। शाम को जब लूसी वापस घर आती है तो उसे डाउट होता है कि किसी ने उसके गिफ्ट के साथ छेड़छाड़ की है। सारे गिफ्ट तो वैसे की वैसे रखे हुए हैं, फिर लूसी को ऐसा क्यों लगा? ध्यान से दोनों सीन्स को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। टेबल वाले गिफ्ट को ध्यान से देखिए। उसमें पहले डबल नॉट की रिबन थी और अब सिंगल नॉट की रिबन है। मतलब किसी ने उसे खोलकर वापस पैक किया है। लूसी अपने छोटे भाई से पूछताछ करती है तो पता चलता है उसके छोटे भाई ने गिफ्ट रिप्लेस कर दिया है। उसका छोटा भाई भी स्मार्ट है, लेकिन लूसी डबल स्मार्ट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक नॉन स्टॉप ट्रेन जंगल से गुजर रही थी, तभी गैंगस्टर चेरा ट्रेन की चेन खींचकर भाग जाता है। पुलिस डिब्बे में आकर तीन सस्पेक्ट से पूछताछ करती है। पहला आदमी कहता है, मैं तो कंबल ओढ़ के पैर फैला के सो रहा था, मैंने शेरा को नहीं देखा है। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो बाथरूम में था जब तक आया, शेरा जा चुका था। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो अपने दोस्त से मिलने दूसरे डिब्बे में गया था, मैंने शेरा को नहीं देखा है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और हो सकता है वो शेरा का आदमी हो। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी, ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं है तो पहला आदमी कंबल ओढ़ के पैर फैला के कैसे सो सकता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है, वही शेरा का आदमी है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मेहुल अपनी कॉलोनी के बच्चों के साथ न्यू ईयर पार्टी बना रहा था, तभी अचानक उसे एक कॉल आता है।
मेहुल की पास वाली कॉलोनी में एक मर्डर हो गया था। सारे लोग को रचित के ऊपर डाउट था, लेकिन किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। मेहुल रचित से पूछताछ करता है तो रचित मेहुल को बताता है कि वो दिन भर ऑफिस में था और ऑफिस में ही न्यू ईयर की पार्टी मना रहा था। रचित मेहुल को उसके ऑफिस की एक सेल्फी भी दिखाता है। फोटो देखते ही मेहुल समझ जाता है कि रचित झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि रचित झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। रचित की सेल्फी में टेबल पे एक कैलेंडर रखा हुआ है। अब कैलेंडर में 1 जनवरी 2024 की डेट लिखी हुई है और डे संडे दिखा रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2024 तो मंडे था। संडे तो 2023 में था। इसका मतलब रचित ने कैलेंडर को एडिट किया। उसने ईयर तो एडिट कर दिया, लेकिन डे एडिट करना भूल गया। वहीं वो पकड़ा जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों लड़कियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसके 4 टैटूज है। सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।